हेलो बच्चों, कैसे हो सब। डीसीएम टेस्ट सीरीज फॉर जेई 2021 की सीरीज में आपका मोस्ट वेलकम। तो आज का हमारा सॉल्यूशन जो है वो है मेजर टेस्ट का। आई होप आपका सबका पेपर अच्छा गया होगा। तो पेपर फर्स्ट फिजिक्स फुल सिलेबस, इसका वीडियो सॉल्यूशन अब हम देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर वन। द एस्केप वेलोसिटी फॉर ए प्लेनेट इज वी, ए टनल इज डग अलोंग इट्स डायमीटर एंड ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड इनटू द टनल फ्रॉम सरफेस ऑफ द प्लेनेट, एट द सेंटर ऑफ द प्लेनेट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। तो आपको प्लेनेट दे रखा है एक, ठीक है, और प्लेनेट के सरफेस से आपने एक पार्टिकल को रिलीज किया, तो जो सेंटर पॉइंट है उस सेंटर पॉइंट पर उस पार्टिकल की स्पीड पूछी आपसे, स्पीड कितनी होगी, राइट। तो यहां से आपने पार्टिकल को रिलीज किया, वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, लेकिन इस पॉइंट पर जो पोजिशन जो पोटेंशियल एनर्जी है पार्टिकल की वो आ जाएगी माइनस जी एम स्मॉल एम बाय कैपिटल आर। एम इसका मास है प्लेनेट का, स्मॉल एम पार्टिकल का मास है, राइट। एंड काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। जैसे ये पार्टिकल सेंटर को क्रॉस करेगा, यहाँ पर पहुंचेगा, तो पार्टिकल के पास स्पीड सपोज वी या वी डैश इसने गेन कर ली, और सेंटर पे पोटेंशियल एनर्जी स्फीयर का जो पोटेंशियल होता है सेंटर पर माइनस थ्री बाई टू जी एम बाय आर होता है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लिखनी है। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ एम वी डैश स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस थ्री बाई टू जी एम स्मॉल एम बाय आर, ठीक है। स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाले पार्ट को इधर लेके आओगे तो थ्री बाई टू माइनस वन वन बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, देन वी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम बाय कैपिटल आर। एस्केप वेलोसिटी अंडर रूट टू जी एम बाय कैपिटल आर होता है। तो ये जो वेलोसिटी है ये एस्केप वेलोसिटी का कितना टाइम्स है, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी यहाँ पर वी की टर्म्स में दे रखा है आपको, है ना। प्लाइन वेग जो है वो वी है, तो उस केस में वी डैश जो है वो एग्जैक्टली वी बाय रूट टू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, थर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके, ए लॉन्ग ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज डिप इन वॉटर, इट इज नोन दैट द वॉटर वेट्स ग्लास, the water level rises by h in the tube, the tube is now pushed down so that only a length h by 2 is outside the water surface, the angle of contact of the water surface at the upper end of the tube will be, right। general case mein jaise aapne ek tube liya, theek hai, aur capillary rise hua iske andar, is tube ka jo radius hai wo small r ke equal hai and angle of contact is theta, right। तो एच हाइट तक सपोज वाटर जो है इसके अंदर राइज होता है, तो एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर अपन वेट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, सरफेस टेंशन कारण जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ वो उसको बैलेंस कर देगा, तो एम जी डाउनवर्ड लगेगा, और एम को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम आ जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच हाइट है, डेंसिटी रो इंटू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू टेंशन, सर्फेस टेंशन कारण जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट, थोड़ा सा एंगल पे, ठीक है, ये थीटा एंगल आएगा सेम, राइट। तो टी इंटू टू पाई आर जो फोर्स है वो कुछ इस तरफ से लग रहा है, तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो उसको एम जी को बैलेंस करेगा, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टी इंटू टू पाई आर, ये तो वो फोर्स आ गया, इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करें, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, देन वी हैव एच इज इक्वल टू टू टी कॉस थीटा अपॉन रो जी आर, ये हाइट आ गई, ठीक है। फर्स्ट केस में ये कह रहा है कि एच हाइट तक वाटर राइज करता है, और जो वाटर है वो ग्लास ट्यूब को पूरी तरह से वेट करता है, इसका मतलब जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है उस केस में जीरो है, तो थीटा की वैल्यू जीरो है, तो कॉस जीरो वन हो जाएगा, तो जब कॉस जीरो वन हो जाएगा तो उस केस में एच की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, टू टी बाय रो जी आर। सेकेंड केस में क्या कह रहा है, ये जो ट्यूब है उस ट्यूब की केवल एच बाई टू हाइट ही वाटर सरफेस से ऊपर रखा है, तो ऐसा नहीं है कि वाटर बाहर निकलने लग जाएगा ना, वाटर उस एच बाई टू हाइट तक ही राइज होगा, लेकिन कॉन्टैक्ट एंगल जो है वो चेंज हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो अब हाइट h बाई टू हो गई, लेकिन बाकी सारी टर्म्स जो है वो सेम रहेगी, देखो 2t cos थीटा आएगा अपॉन में rho gr, ठीक है। अब यहां पर h की वैल्यू 2t बाय rho gr है, 2t बाय rho gr की वैल्यू h रख दूंगा मैं यहां पर, तो h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बाई टू इज इक्वल टू cos थीटा आ गया, सो इन दिस केस cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई टू, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो कॉन्टैक्ट एंगल जो है इस केस में 60 डिग्री आ जाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आइए, इन एन एलसी सर्किट द कैपेसिटर हैज मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट, द वैल्यू ऑफ डीआई बाय डीटी मैक्स इज, एलसी सर्किट है ऑब्वियसली, ये इसमें चार्ज या करंट का ऑसिलेशन होगा,
तो चार्ज या करंट की जो इक्वेशन आएगी ना उसके अंदर वो साइनसोइडल होगी। अगर मैं करंट के लिए भी इक्वेशन लिखू ना तो आई इज इक्वल टू लिख सकता हूं आई नॉट साइन या कोस की टर्म में कुछ भी लिखो आप, जैसे साइन लिख देता हूं चलो साइन ओमेगा टी, साथ में कोई फेज कॉन्स्टेंट भी हो सकता है उसको भी लिखना चाहो लिख सकते हो आप। इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन मतलब इक्वेशन बनेगी करंट की। और अगर मुझे डी आई बाई डी टी कैलकुलेट करना है तो डी आई बाई डी टी अगर यहां से फाइंड आउट करें अपन तो आई नॉट ओमेगा बाहर आ जाएगा और ये साइन का कोस हो जाएगा, ठीक है कोस वाली टर्म आ जाएगी। अब डी आई बाई डी टी की मैक्स वैल्यू आई नॉट इंटू ओमेगा के इक्वल है। ओमेगा एलसी सर्किट के अंदर एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और ओमेगा बहुत ही आसानी से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। और वैसे आपको ये ध्यान होना चाहिए ओमेगा इज इक्वल टू वन अपॉन रूट एलसी, तो ओमेगा की वैल्यू वन अपॉन रूट एलसी है लेकिन आई नॉट नहीं मालूम है। आई नॉट कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे क्यू नॉट है, सो इनिशियल एनर्जी ऑन कैपेसिटर इज क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c, ठीक है। जब ये कंप्लीट एनर्जी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंप्लीट मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगी इंडक्टर में, तो उस केस में इंडक्टर में करंट मैक्सिमम होगी हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, ठीक है। बाय एनर्जी कंजर्वेशन आई कैन राइट क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c इज इक्वल टू हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। और यहां से अगर मैं आई नॉट की वैल्यू फाइंड करूं 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हियर आई नॉट इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन रूट एल सी, तो ये I0 की वैल्यू आ गई। और di by dt की मैक्स वैल्यू I0 into omega है, तो I0 की वैल्यू Q0 by root LC और omega की वैल्यू 1 upon root LC, so answer is Q0 by LC। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये, फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। ओके, द लेंथ ऑफ ए मेटल वायर इज L1 व्हेन द टेंशन इन इट इज T1 एंड इज L2 व्हेन टेंशन इज T2। The natural length of the wire is, इसको सिंपल अपन स्प्रिंग के कॉन्सेप्ट से डील कर सकते हैं। तो जैसे सपोज इसकी नेचुरल लेंथ L थी, ठीक है, और आपने इसमें टेंशन फोर्स T1 अप्लाई किया, तो टेंशन फोर्स T1 एक तरीके से स्प्रिंग फोर्स की तरह इसको अपन अज्यूम करेंगे, तो T1 is equal to K, K is a constant, right? Into L1 minus L, क्योंकि T1 लगाने पर लेंथ L1 हो चुका है, तो एक्सटेंशन कितना हुआ L1 minus L। नेक्स्ट केस में आपने टेंशन T2 कर दिया, अब इसकी जो लेंथ है वो L2 हो चुकी है, तो L2 माइनस L एक्सटेंशन आ गया। हमें K नहीं चाहिए यहां पर, हमें L को कैलकुलेट करना है, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, तो T1 by T2 is equal to L1 minus L upon L2 minus L, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और यहां से आप L की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बेटा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन थर्ड आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ओके, पैराग्राफ है, देखते हैं चलो। थ्री पार्टिकल्स ए बी सी ईच ऑफ मास एम आर कनेक्टेड बाय थ्री मासलेस रोड्स ऑफ लेंथ एल, ऑल थ्री पार्टिकल्स लाई ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग अलोंग वन ऑफ द रोड्स विद वेलोसिटी वी नॉट, दिस इज वी नॉट राइट, स्ट्राइक्स ऑन द पार्टिकल एंड स्टॉप्स एज शोन द डायग्राम, आंसर द फॉलोइंग टू क्वेश्चंस। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर है और फ्रिक्शनलेस है, एम नॉट मास, एम मास का पार्टिकल वी नॉट स्पीड से आ रहा है और ये एक असेंबली दे रखी है, ये लाइट रोड्स हैं, इनसे ये तीन आइडेंटिकल जो मास हैं ये कनेक्टेड हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। जैसे ही इसे कॉलिजन करेगा स्ट्राइक करेगा तो ये वाला रुक जाता है, उसके बाद में मोशन जो भी होगी वो इस वाले पार्ट की होगी। पूछा क्या था, टेंशन इन एनी ऑफ द रोड आफ्टर कॉलिजन इज, कॉलिजन के बाद में पूछा है कि इन किसी भी एक रोड के अंदर टेंशन की वैल्यू कितनी है, राइट। चलिए देखते हैं, सबसे पहले कॉलिजन के पार्ट को अपन ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे यहां पर कि जैसे ये ऑब्जेक्ट इस पार्टिकल से कॉलिजन करता है, ठीक है, तो लीनियर अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन को अप्लाई करूं, क्योंकि सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा, तो लीनियर मोमेंटम सिस्टम का डेफिनेटली कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो वो है m इंटू वी नॉट पार्टिकल का, ठीक है, बराबर, उसके बाद में अच्छा इसका जीरो था पहले, उसके बाद में जैसे ही कोलिजन करता है इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, तो इसका मतलब इसका मोमेंटम जीरो हो गया, लेकिन ये जो असेंबली दे रखी है इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो डेफिनेटली किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करेगा। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मैंने vcm लिख दी है यहां पर, और तीनों का जो मास है वो 3m हो जाएगा कंबाइंड पूरे सिस्टम का, देन 3m इनटू vcm, ठीक है। तो ये हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया यहां पर, m से m यहां पर कैंसिल आउट हुआ, देन वी हैव vcm इज इक्वल टू v नॉट बाय 3। तो इस असेंबली का जो सेंटर ऑफ मास है उसकी वेलोसिटी v नॉट बाय 3 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हमें और देखना है कि क्या ये रोटेट होगा, ऑब्वियसली रोटेट होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जैसे इससे कोलिजन करेगा तो ये यूं इस पे इंपल्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये असेंबली यूं रोटेट होगी, है ना, यूं घूमना स्टार्ट करेगी, तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी डेफिनेटली होगी, राइट। तो एंगुलर वेलोसिटी सपोज इसके पास ओमेगा जाती है,
है ना, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है। इस सिस्टम पर वैसे देखा जाए कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, इसका मतलब एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो होगा, तो एंगुलर मोमेंटम डेफिनेटली कंजर्व रहेगा। अब एंगुलर मोमेंटम हमें ऐसी एक्सिस ढूंढनी ताकि इजी पड़े कैलकुलेट करना, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, मैं एक काम करता हूं कि जो इस असेंबली का जो सेंटर ऑफ मास है वो इस डायरेक्शन मूव करेगा, मैं ये वाली एक्सिस कंसीडर कर लेता हूं यहां पर, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट देखा जाए तो टॉर्क तो वैसे भी जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम भी कंजर्व होना चाहिए। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो कितना आएगा, m इंटू वी नॉट इंटू में ये वाली हाइट इस पार्टिकल के लिए। अब ये वाली हाइट कितनी होगी उसको देखते हैं। तो यहां पर अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करें, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये इसका सेंट्रोइड हो गया, और ये लेंथ जो है वो l बाई रूट थ्री के इक्वल होती है, और ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये वाली हाइट जो है ये वाली, ये एग्जैक्टली इस h के बराबर आएगा ना, तो ये h किसके बराबर आएगा यहां पर, l बाई रूट थ्री, इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन वाला ना, साइन 30, तो ये वैल्यू आ जाएगी l बाई टू रूट थ्री, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जब इस पर स्ट्राइक करेगा तो उससे पहले इसका इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा m v नॉट इंटू एच विच इज एल बाय टू रूट थ्री, ये एंगुलर मोमेंटम आ गया बराबर। आफ्टर कोलिजन ये रेस्ट में हो जाता है, आफ्टर कोलिजन इसका सेंट्रो मास इस तरफ जाएगा, तो सेंट्रो मास के हिसाब से देखा जाए तो एंगुलर मोमेंटम तो जीरो हो गया, लेकिन रोटेशन के हिसाब से, ट्रांसलेशन मोशन के हिसाब से तो जीरो हो गया, लेकिन रोटेशन के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम रहेगा, एंड विच इज आईसीएम इंटू ओमेगा, राइट, इस एक्सिस के अबाउट। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इस पूरी असेंबली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंट्रोइड के अबाउट कितना आएगा, देखिए एम, ये डिस्टेंस कितनी, एल बाई रूट थ्री, तो एल बाई रूट थ्री का स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर बाई थ्री एक पार्टिकल का, करेक्ट, ऐसे इसका भी आएगा, तो थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तो इसका पूरी असेंबली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल एम एल स्क्वायर आया, और इनटू में ओमेगा, ओमेगा एंगुलर स्पीड से ये रोटेट करेगा, राइट। सो एंगुलर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, एंगुलर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है ना, इतना ही पार्ट आया यहां पर। अब एम से एम ये कैंसिल आउट हो गया, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, देन वी हैव ओमेगा इज इक्वल टू वी नॉट बाय टू रूट थ्री इंटू एल, तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ओमेगा की, ठीक है। यहां तक आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब बात आती है टेंशन फोर्स की। अब टेंशन फोर्स हम इसको कैलकुलेट करते हैं, देखिए तो ये जो असेंबली है, ये असेंबली ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट होना स्टार्ट कर देगी, तो ये कुछ ना कुछ ऐसे ये तीनों के तीनों जो है इस सर्कल में घूमेंगे, रोटेट होंगे, राइट, ठीक है, रोटेट होंगे, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखा जाए तो ये यूं घूम रहे हैं तीनों के तीनों। इस रॉड में टेंशन मान लीजिए टी है, तो इस रॉड में भी टेंशन टी होगा, और ये पता, ये वाला एंगल 60 है ना, इसका मतलब क्योंकि वैसे सिमेट्रिकली देखा जाए तो टेंशन तीनों में सेम होगा, टी इधर, तो ये एंगल 60 है, तो ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा टी का वो इस तरफ आएगा टुवर्ड सेंटर, एंड टुवर्ड सेंटर जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी, टी एंड टी दोनों 60 डिग्री एंगल पर है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट टू टी ना, रूट थ्री टी, तो रूट थ्री टी इज द रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का, और ये जो फोर्स है ये सेंट्रिपिटल फोर्स है, एंड सेंट्रिपिटल फोर्स आ जाएगा एम, इसका मास इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट, ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 3 12 इंटू एल स्क्वायर, राइट, ये ओमेगा स्क्वायर आ गया आपके पास, है ना। उसके बाद में आर, आर है ये रेडियस, ये वाली, ये कितना था, एल बाई रूट थ्री था, राइट, एल बाय रूट थ्री, ये लो, तो रूट थ्री टी इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय 12 एल स्क्वायर इंटू एल बाय रूट थ्री, एल से एल यहां पर कैंसिल आउट हो गया, उसके बाद में टी हमें कैलकुलेट करना, रूट थ्री रूट थ्री रूट थ्री हो जाएगा, तो 12 इंटू थ्री कितना आएगा, 36 ना, तो टी बराबर आपके पास आ जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 36 इंटू एल, तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये बेटा फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कॉलिजन इज, एनर्जी लॉस पूछा है ड्यू टू कॉलिजन, राइट, तो एनर्जी लॉस बड़ा सिंपल है कैलकुलेट करना, क्योंकि हमने वेलोसिटी वगैरह तो कैलकुलेट कर ही लिए, यहां पर बस कुछ नहीं है, सबट्रैक्शन करना है। तो इनिशियल एनर्जी की बात करें तो जो पार्टिकल स्ट्राइक किया था तो उसकी इनिशियल एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस फाइनल एनर्जी कितनी है, तो फाइनल एनर्जी पूरी असेंबली की बात करें तो एक तो आएगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ नेट मास कितना है, 3m, राइट, 3m इनटू vcm स्क्वायर, एंड हियर vcm इज v नॉट बाय 3, सो v नॉट स्क्वायर बाय 9, करेक्ट। नेक्स्ट माइनस, अगेन मुझे सबट्रैक्ट करना है, देखो इनिशियल तो आ गया, फाइनल लिखना है, फाइनल को इनिशियल में से सबट्रैक्ट करना है तभी लॉस आएगा,
तो ये तो आ गया ट्रांसलेशनल। अब रोटेशनल की बात करनी है, रोटेशनल का कितना आएगा, हाफ आईसीएम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी असेंबली का, हमने अभी भी कैलकुलेट किया था, एमएल स्क्वायर था राइट, हाफ आईसीएम इंटू ओमेगा स्क्वायर, एंड ये ओमेगा हमने कैलकुलेट किया था वी नॉट बाय, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ओमेगा स्क्वायर, तो वी नॉट स्क्वायर बाय 4 × 3 = 12 ना, 12 L² इसको कैंसिल आउट कर दो, और जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा ठीक है, इस वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट मिलेगा। बाकी कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा था ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल ठीक है, इससे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा, आइए, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी सिग्मा एंड रेडियस कैपिटल आर हैज ए स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस आर बाय 2 बिटवीन द सेंटर एंड द सरफेस ऑफ द स्फीयर, ओके, इट इज इमर्ज्ड इन टैंक कंटेनिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो विद द लिक्विड लेवल आर बाय 4 अबव द सरफेस स्फीयर टॉप, ओके। तो ये जो स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर, इसकी डेंसिटी सिग्मा है, ये गिवन है, और रो जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी रो है ठीक है, और इसको एक टैंक के अंदर आपने इमर्ज कर दिया है ठीक है, और ये जो ऊपर से जो हाइट दे रखी है ना वो आपको r बाय 4 गिवन है ठीक है, r बाय 4 गिवन है, वैसे r बाय 4 की वैसे कोई जरूरत नहीं है, चलो देखते हैं आगे क्या जरूरत पड़ेगी। द स्फीयर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द पोजीशन ऑन द सेंटर ऑफ द कैविटी एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, ओके, इट इज ऑब्जर्व दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर स्टेज एट रेस्ट, तो इस गोले का जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट में रहेगा, वो मूव नहीं करेगा ठीक है। इसमें बहुत बड़ी बात छुपी हुई है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर देखो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लग रहा है इसके अंदर, कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, अगर उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाता है तो सीधा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उस सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए ठीक है, तभी सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। अब इतना आपको पता है, इस पर एमजी लगेगा ठीक है, और बायोन्सी जो फोर्स है वो भी ऊपर की तरफ लगेगा, अगर सेंटर ऑफ मास कहीं डिस्प्लेस नहीं हो रहा दैट मीन्स नेट फोर्स शुड बी जीरो ठीक है। तो अगर देखते हैं चलो आगे क्या पूछा, चलो सबसे पहले थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं सिग्मा रो के लिए, तो एक तो mg लगेगा इस पर डाउनवर्ड ठीक है, तो mg, m की बात करें तो इसका मास, इसकी डेंसिटी कितनी है सिग्मा ठीक है, इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सा, ये वाला जहां पर मटेरियल प्रेजेंट है, तो वॉल्यूम कितना आएगा 4/3 πr³, ये तो वॉल्यूम आ गया पूरे गोले का ठीक है, इसमें से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा 4/3 π कैविटी वाला, r/2 रेडियस है तो r³/8 है ना, तो ये वॉल्यूम कौन सा आया, ये जहां पर मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है, तो रो सॉरी सिग्मा इंटू वॉल्यूम इंटू जी, ये तो mg आ गया, बराबर बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, बायंसी फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम, समझ लो वॉल्यूम कितना आएगा पूरे गोले का आएगा ना 4/3 π R³ × g, बस खत्म, तो 4/3 π R³, 4/3 π R³, 4/3 π R³, यहां पे देखो ये 1 − 1/8, ये आ जाएगा 7 σ/8, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर आ गया रो, तो यहां से 7 σ/8 इज इक्वल टू रो के बराबर आ रहा है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, द रिलेशन बिटवीन रो एंड सिग्मा इज, अच्छा रो एंड सिग्मा, सिग्मा बाय रो की वैल्यू पूछिए, एंड सिग्मा बाय रो अगर आप देखो तो 8/7 आ रहा है ना, तो ये सिग्मा बाय रो 8/7 मतलब फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चले, इसमें नेक्स्ट पूछा है आपसे कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ओके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछा है इसके अंदर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना है ये बताना है अपन को ठीक है, अटेंड बाय द स्फीयर ड्यूरिंग द मोशन इज, ओके चलिए वापस इस डायग्राम को मैं ड्रॉ करूं यहां पर, ओके इसमें पहले कलर फिल कर देते हैं, चलिए ओके तो ये सिस्टम आपके सामने है
ओके ठीक है। अब आप देखिए ये तो सेंटर है वैसे देखा जाए तो राइट, और इस स्फीयर में से अगर आपने कैविटी बना दी तो इतना कंफर्म है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो कहीं ना कहीं यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ मास है। तो mg तो आप यहीं लगाओगे, इसका जो mg है वो इधर ही लगाओगे आप, लेकिन जो स्फीयर पे बायोंसी फोर्स लगेगा, बायंट फोर्स जो लगेगा, उसका जो सेंटर ऑफ बायोंसी है वो जो वाटर डिस्प्लेस या लिक्विड जो डिस्प्लेस करता है ना उसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो ये जो गोला है ये गोला इसी शेप का ही तो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो डेफिनेटली यहीं पे तो होगा, तो सेंटर ऑफ बायोंसी इस पे यहाँ पे होगा, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ बायोंसी यहाँ है एग्जैक्टली, तो बायंट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लगेगा। डेंसिटी रो है रो वी जी, वी कंप्लीट स्फीयर का। तो ये क्लियरली पता लग रहा है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, रो वी जी ऊपर है, और ये दोनों एग्जैक्टली बराबर है, तभी तो अपने सिग्मा और रो के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया। लेकिन यहाँ से ये क्लियरली पता लग रहा है ये कपल बन रहा है और ये यू रोटेट हो जाएगा सिस्टम, है ना, ये यू रोटेट हो जाएगा और थोड़ी देर बाद में देखें अपन। तो ये रिलेशन बाद में लिख देंगे ठीक है, आइए तो थोड़ी देर बाद में देखें, तो पूरी जो असेंबली है ना, पूरा जो पार्ट है वो घूम जाएगा ठीक है, ये पार्ट पूरा घूम जाएगा। इसको घुमा देते हैं अपन, देखो ऐसा कुछ ऐसे हो जाएगा ये राइट, और चलिए तो अल्टीमेटली देखिए एक चीज को कि सेंटर ऑफ मास तो उसी लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है ठीक है, सेंटर ऑफ मास तो उसी लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, इसी लाइन पे देखो, इस लाइन पे ये सेंटर ऑफ मास वाली लाइन है ठीक है, इस पे एमजी मत जाना आप, बस आप इस चीज को ऑब्जर्व करना कि सेंटर ऑफ मास उसी लाइन पे एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जो बायंसी फोर्स सेंटर ऑफ बायंसी जो है वो शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, देखो हुआ कि नहीं हुआ। तो बायंट फोर्स कॉन्स्टेंट है, ये इधर नहीं लग रहा, बायंट फोर्स अभी इधर लग रहा है ठीक है, ये डायग्राम रोटेट हो गया, तो रो वीजी ऊपर लग रहा है। तो mg की बात करें तो सेंटर ऑफ मास तो वहीं का वहीं है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो ऑब्जेक्ट है ना उस ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन बायोंसी फोर्स जो कि कांस्टेंट फोर्स है वो कांस्टेंट फोर्स, और उसने जरूर वर्क किया है, क्यों, क्योंकि वो ऊपर की तरफ लग रहा है, एंड अगर आप देखो गौर से तो सेंटर ऑफ बायोंसी जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, और वो कितना शिफ्ट हुआ एग्जैक्टली इस डिस्टेंस के बराबर, देखो ये वाले डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है गोले के सेंटर से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, इतना शिफ्ट हुआ। तो वर्क डन बाय बायंसी फोर्स क्या आएगा इस केस में, अगर आपसे कोई ये कहे कि बायंसी फोर्स ने वर्क कितना किया यहां पर, बायंसी फोर्स ने वर्क कितना किया, तो वर्क डन अपन इजीली यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन बाय बायंसी फोर्स इज रो वी जी इज अ कांस्टेंट फोर्स एंड लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, तो रो वी जी इनटू x है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट फोर्स है, सो वर्क डन बाय दिस फोर्स इज रो वी जी इनटू x, और ये जो वर्क डन है यही तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, सीधी सी बात है ना, यही काइनेटिक एनर्जी और यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि इसके बाद में ये गोला घूम करके यूं आएगा, वापस यूं आएगा ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी वापस रिड्यूस होगी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसी केस में आएगी आपके पास, सो रो वीजी इनटू एक्स इज के मैक्स, आपको रो वीजी इनटू एक्स निकालना है, मतलब एक्स अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एक्स कैसे कैलकुलेट करें, तो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, ये कैविटी वाला मास कितना आएगा, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, आर बाई टू है तो हमें पता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो 7/8 टाइम्स होता है इस वाले से, मतलब अगर मैं इस वाले का मास, अगर इस वाले का मास कैपिटल एम अज्यूम करूं तो इस वाले का मास 7m/8 होगा, सॉरी इस वाले का मास अगर m/8 अगर अज्यूम करूं तो इसका मास कितना आएगा, 7m/8 के बराबर आएगा राइट, 7m/8, तो ये मास का रेशियो है, तो और ये वाली डिस्टेंस r/2 के बराबर होती है, तो सेंटर ऑफ मास की अगर मैं कॉन्सेप्ट लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं m/8 इनटू में ये वाली डिस्टेंस r/2 ठीक है, m1x1 और ये वाला m2x2 इसके बराबर होना चाहिए, और m2x2 क्या है, 7m/8 इनटू में x, यहां से आपके पास आ जाएगा 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, देन एक्स इज इक्वल टू आर बाय 12 ठीक है, 7 आ जाएगा यहां से आर बाय 12, बहुत ही सिंपल सा केस है। तो एक्स की वैल्यू आर बाय 12 के इक्वल है, रो डेंसिटी है लिक्विड की, वॉल्यूम, वॉल्यूम कौन सा, पूरा गोलेगा जो कि 4/3 πr³ था, और जी है, और एक्स की वैल्यू कितनी है, आर बाय 14, दिस इज के मैक्स
दिस इज के मैक्स राइट। अब इसको थोड़ा सिंपल कर लेंगे अपन, ये 2 से कट जाएगा, ये 7, तो ये आ जाएगा 7 × 3 = 21, तो 2 πr^4 रो जी अपॉन में 21, तो ये देख लीजिए 2 आना चाहिए ऊपर, 21 नीचे आना चाहिए, तो इसका सेकंड ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, टफ नहीं था ये, बस लॉजिक थोड़ा सा अप्रोच यहां पे ये लगानी थी कि बायोंसी फोर्स भी लग रहा है, सेंट्रो मास का कॉन्सेप्ट भी आ गया अच्छा खासा, ठीक है, और वर्कडन वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा, सेक्शन बी, इसमें वन और मोर देन वन जो है वो आंसर्स हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जवाब देना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कंसीडर ए फिक्स्ड व्हील ऑफ द रेडियस आर, ए स्मॉल व्हील इन द फॉर्म ऑफ ए यूनिफॉर्म सॉलिड डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग ऑन पेरिफेरी ऑफ बिगर व्हील, सेंटर ऑफ द बिगर व्हील एंड द स्मॉलर व्हील आर जॉइंड बाय रिजिड रॉड सच दैट द स्मॉलर व्हील कैन रोटेट फ्रीली विदाउट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, रॉड जॉइनिंग द सेंटर इज रोटेटिंग विद कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, होल सिचुएशन शोन द फिगर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, यूज कैपिटल आर इज इक्वल टू 4 r। तो देखिए ये जो रेडियस है कैपिटल आर, ये 4 r के बराबर है और ये भी स्मॉल आर के बराबर है और ये फिक्स्ड है ना, ये जो व्हील है ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता, लेकिन इसके ऊपर जो ये व्हील दे रखा है ना, ये एक डिस्क की फॉर्म में है और ये इसके ऊपर रोल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस रॉड, ये रॉड दिख रही होगी आपको, इस रॉड की लेंथ कितनी हो जाएगी 5 r, 4 r + r 5 r, और ये इस पर रोल करते हुए जा रहा है, ठीक है, और इसकी जो स्पीड है, इस रॉड की जो स्पीड है वो ओमेगा नॉट है, तो अगर ये ओमेगा नॉट है रॉड की स्पीड, तो रॉड के इस पॉइंट की जो स्पीड आएगी वो आ जाएगी v बराबर ओमेगा r, ओमेगा नॉट और r ये कितना आ जाएगा 5 r, तो 5 ω0 r इसके सेंटर की स्पीड होगी, सही है। मान लीजिए इस ये जो व्हील है, ये व्हील ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक है, ओमेगा एंगुलर स्पीड से इसके ऊपर रोटेट कर रहा है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, क्योंकि ये व्हील जो है, ये जो नीचे वाला जो सर्कल है ये फिक्स्ड है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, इसकी जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट वो जीरो होनी चाहिए, तो 5 ω0 r इस तरफ और ये ओमेगा आर इस तरफ आएगा, तो यहां से आप कंपेयर कर सकते हो, वी बराबर ओमेगा आर से रोलिंग के लिए कंडीशन लगा सकते हो, तो 5 ω0 r इज इक्वल टू ω/r, और यहां से r से r ये कैंसिल आउट हो गया, सो ओमेगा इज इक्वल टू 5 ω0, सो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस स्मॉलर डिस्क इज 5 ω0, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर व्हील इज ओमेगा नॉट, नहीं ये इनकरेक्ट है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर इज 5 ω0, यस ये करेक्ट हो गया, तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉलर व्हील इज, अब स्मॉलर व्हील की काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो बड़ा सिंपल है, 1/2 mvcm² + 1/2 icm² निकाल करके इसको फाइंड कर सकते हैं, ये ICUR से भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की जा सकती है, चलो ICUR से निकालते हैं, ICUR से देखें, क्योंकि ये पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में है, तो इसके अबाउट अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसके अबाउट चाहिए, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, ICUR समझते हो ना इस पॉइंट के अबाउट, सो द काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क इज अबाउट दिस पॉइंट इज mr² / 2 + mr² व्हिच मींस 3/2 m मास ऑफ डिस्क इज स्मॉल m इनटू r², ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट आ गया, ठीक है, इनटू में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हमको पता ही है 5 ω0 है, इसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 25 ω0 square, अब इसको थोड़ा सिंपल करना है तो आप देख लीजिए 25 × 3 मतलब 75 हो जाएगा, डिवाइड में 4 है, mr² ω0 square, इसका मतलब सेकंड थर्ड ऑप्शन भी इसका क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट हो जाएगा, तो ये भी सिंपल था। फोर्थ क्या कह रहा है देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज लाइंग ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द स्मॉलर व्हील एट फारदेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द बिगर व्हील इज 10 r/3, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, और किसके लिए, ये जो आपको डिस्क दिख रही है, ठीक है, इस डिस्क का जो फारदेस्ट पॉइंट है ये वाला पॉइंट, यहां पर जो पार्टिकल होगा उस पार्टिकल का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा उसको हमें कैलकुलेट करना है, राइट। चलिए देखते हैं, 5 ω0 इसकी एंगुलर वेलोसिटी, ये हमको ध्यान रखना है, अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, देखो ओके चलिए देखो इस पॉइंट की बात करें तो अगर सेंटर की बात करें, यहां पर सेंटर की वेलोसिटी हमको पता है 5 ω0 × r आया था सेंटर की वेलोसिटी, राइट, और एंगुलर वेलोसिटी इसकी 5 ω0 थी, इसका मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी देखा जाए तो इसकी डबल होगी ना, 5 ω0 + 5 ω0 r, इसका मतलब इस पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी है दैट इज 10 ω0 r, ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ना इसकी वेलोसिटी 10 ω0 r आ चुकी है आपके पास, ठीक है, वेलोसिटी आ गई इस डायरेक्शन में, गौर से देखिएगा,
अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंपल कॉन्सेप्ट है, या तो ट्रेजेक्ट्री से फाइंड आउट कीजिए, इक्वेशन अगर आपके पास है, या आप रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय एसी, वी है वेलोसिटी, ठीक है, उसका स्क्वायर अपॉन में एसी, एसी इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर। तो इस पॉइंट की बात करें, इस पार्टिकल की बात करें, तो वेलोसिटी आपके पास है 10 ओमेगा नॉट आर, अब इसका एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये जो सेंटर सी टू आपको नजर आ रहा है, इस सी टू का खुद का एक्सेलरेशन है, क्यों, क्योंकि ये भी तो इसके अराउंड घूम रहा है। तो सी टू का अगर मैं एक्सेलरेशन फाइंड आउट करूं तो टुवर्ड सेंटर आएगा, तो सी टू का एक्सेलरेशन कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि सर्कुलर पाथ में है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सी टू इज ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, ठीक है, ओमेगा, और सी टू जो है ये ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड से घूम रहा है, क्योंकि रॉड की हेल्प से घूम रहा है, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर आ गया ये इनटू में आर, आर कितना है 5R, जो रेडियस है 5R, ये एक्सेलरेशन आ चुका है सी टू का टूवर्ड सेंटर। अब C2 के रेस्पेक्ट में बात करें, ध्यान से सुना, C2 के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का खुद का एक्सेलरेशन भी, क्योंकि ये C2 के रेस्पेक्ट में भी गोल गोल घूम रहा है, और इसकी एंगुलर स्पीड कितनी थी 5 ओमेगा नॉट थी, तो C2 के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स सेंटर C2 है, टुवर्ड्स C2 है, और वो एक्सेलरेशन कितना आएगा उसको मैं लिख देता हूं यहां पर, कितना आएगा अगेन ओमेगा स्क्वायर आर, लेकिन ओमेगा कितना आ जाएगा 5 ओमेगा नॉट, राइट, लेकिन ओमेगा स्क्वायर करोगे तो 25 ओमेगा नॉट स्क्वायर, और रेडियस कितनी ये वाली आर, ये आ गया। तो ये जो एक्सेलरेशन आया ये C2 के रेस्पेक्ट में आया ऊपर इस वाले पॉइंट का, किस तरफ, C2 की तरफ, और C2 का खुद का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन C1 की तरफ है, और वो कितना है 5 ओमेगा नॉट स्क्वायर। इसका मतलब ग्राउंड से देखने पर बताइए इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना आया, दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो टोटल एक्सेलरेशन मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन जो है उस पार्टिकल P का, इसको P मान लेता हूं मैं, तो पार्टिकल P का एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दोनों का सम हो जाएगा बेटा, और वो आ जाएगा 30 ओमेगा नॉट स्क्वायर। सही है, AP आ चुका है, ये AP आ चुका है, और इसकी डायरेक्शन देखो इस तरफ, और वेलोसिटी इस तरफ है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो तो AC आ जाता है आपके पास, V आपके पास है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू कितनी आएगी फिर उस केस में, रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय AC, V कितना है 10 ओमेगा नॉट R है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 100 ओमेगा नॉट स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन AC, एंड हियर AC इज 30 ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू R, ये R से R कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा नॉट से कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, देन आंसर इज 10R/3, तो 10R/3 आ रहा है, यस आ रहा है जी, तो फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ए हाइट h ऑनटू ए स्मूथ स्लैज ऑफ मास कैपिटल m फिटेड विद एन आइडियल स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस k। ओके, तो ये k स्प्रिंग कांस्टेंट का एक जो है वो स्प्रिंग जो है इसके साथ कनेक्टेड है, और आपने m मास के ब्लॉक को यहां से रिलीज कर दिया, सब कुछ स्मूथ है, सारी सरफेस स्मूथ है, यहां पर क्या पूछा, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जस्ट बिफोर द ब्लॉक टचेस द स्प्रिंग इज vm। अच्छा, इसको जैसे ही आप रिलीज करोगे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है mgh, और फिर ये नीचे आएगा, यूं नीचे आएगा, तो जब ये इस स्प्रिंग से जस्ट टच करेगा उस समय क्या ये वाला ब्लॉक मूव नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि जब ये ब्लॉक यूं नीचे आएगा तो नॉर्मल इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, नॉर्मल का ये वाला जो कंपोनेंट है इस जो वेज जो दे रखा है वेज को इस तरफ मूव करवाएगा, हाँ या ना, तो वेलोसिटी दोनों के पास होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखा जाए वेलोसिटी दोनों के पास ही होगी यहां पर, राइट। तो आप ये मान के चलिए कि जब ये नीचे आ चुका है यहां पर, ठीक है, इसका डायग्राम वापस बनाएं अपन, ठीक है, तो ये ब्लॉक यहां आ चुका है, इसने स्पीड गेन कर ली u, और इसके पास भी स्पीड आ चुकी है v, ये कैपिटल m है और ये स्मॉल m है, ठीक है, फ्रिक्शन है नहीं यहां पर, तो और मोमेंटम की बात करें, क्या इस सिस्टम पर हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स लग रहा है, वर्टिकली mg लग रहा है, यस, हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, इनिशियल मोमेंटम कितना है जीरो है, फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, फाइनल मोमेंटम की बात करें तो m into u minus capital m into v is equal to zero, so अपन इक्वेशन यहां पे क्या लिख सकते हैं, स्मॉल m u is equal to capital m into v, राइट, ये इक्वेशन बड़ी काम की हमारे लिए। उसके अलावा एनर्जी कंजर्वेशन भी आप लगा सकते हो, काइनेटिक सॉरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इनिशियली mgh इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ये, इस ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी हाफ एम यू स्क्वायर, एंड वेज की कितनी आएगी हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए मैंने यहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया, ये भी काफी सिंपल है। अब यहां से आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक जस्ट बिफोर द ब्लॉक टचेस द स्प्रिंग इज,
ब्लॉक की वेलोसिटी बताइए जब ये स्प्रिंग को टच करेगा, तो स्प्रिंग को टच करने वाला है, उससे पहले का सीन है ये, तो हमको यू कैलकुलेट करना है यहां पर, राइट। अब यू कैलकुलेट करना है तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एक बार रुको। तो यू कैलकुलेट करने के लिए वी की वैल्यू रख देंगे अपन यहां पर, तो देखिए वैल्यू देखो कितनी आएगी, एम जी एच इज इक्वल टू हाफ स्मॉल एम यू स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल एम वी स्क्वायर, एंड योर वी इज एम यू बाय कैपिटल एम, तो स्क्वायरिंग करोगे तो एम स्क्वायर यू स्क्वायर बाय कैपिटल एम स्क्वायर, ये कैपिटल एम से कैपिटल एम कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहां से देखिए आप स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम भी कैंसिल आउट हो गया, सो योर जी एच और ये टू को इधर शिफ्ट कर दीजिए, टू जी एच इधर आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस, और यहां पर यू स्क्वायर इवन कॉमन आ जाएगा, ओके तो यू स्क्वायर यहां पे कॉमन आ चुका है, ब्रैकेट में कितना आया यहां पर वन आ चुका है, प्लस स्मॉल एम यहां बच चुका है एक, और ये कैपिटल एम भी बच गया, ये वैल्यू आ चुकी है, राइट। तो यहां से एम प्लस स्मॉल एम और ये कैपिटल एम इधर आ जाएगा, तो टू कैपिटल एम जी एच अपॉन एम प्लस स्मॉल एम इज इक्वल टू यू स्क्वायर, देन यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2m gh by m plus small m। अच्छा अगर आपको u आपके पास आ चुका है तो क्या v फाइंड कर सकते हो, v भी फाइंड कर सकते हैं, v कैसे निकालोगे, v वही सेम अप्रोच, v is equal to mu by capital m ना, तो इसमें u को u के साथ अगर small m और मल्टीप्लाई करते हैं और capital m से डिवाइड करते हैं, तो v की वैल्यू देखो कितनी आएगी, small m से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 2 small m, राइट। स्मॉल m को अंदर लेके जाओगे तो कितना आएगा, m gh small m square, और नीचे कैपिटल एम भी आएगा तो कैपिटल एम स्क्वायर एम प्लस स्मॉल एम, ये एम से एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब देखते हैं चलो सही है कि नहीं है, ओके तो पूछा क्या, देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक जस्ट बिफोर द ब्लॉक टचेस द स्प्रिंग इज अंडर रूट 2 एम जी एच अपॉन में एम प्लस स्मॉल एम, क्या सही है, अंडर रूट 2 एम जी एच अपॉन में एम प्लस स्मॉल एम, ये सही है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा करेक्ट हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। सेकंड देखिए वेलोसिटी ऑफ वेज या स्लेज, उसकी वेलोसिटी देख लीजिए, वो भी पूरी तरह से मैच कर रहा है, देखो अंडर रूट में 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर gh और अपॉन में m प्लस m इनटू में m प्लस स्मॉल m, तो ये सेकंड ऑप्शन भी इसका पूरी तरह से मैच कर रहा है बेटा, है ना, तो ये भी सिंपल था। तो चलिए देखते हैं इसमें आगे क्या पूछा है, मैक्सिमम वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द सिस्टम कंसिस्टिंग ब्लॉक एंड द स्लेज ड्यूरिंग द सबसीक्वेंट मोशन इज mgh, कह रहा है जो स्प्रिंग है वो मैक्सिमम वर्क MGH के इक्वल करेगी, क्या ऐसा है, अगर आप थोड़ा गौर से देखें यहां पे स्प्रिंग ये कनेक्टेड है बेटा, जब ये ब्लॉक इसके पास आएगा स्प्रिंग के पास, ठीक है, तो ये वेज जो है इधर जा रहा है और ब्लॉक जो है वो इधर जा रहा है ना, और अगर मैं आपसे कहूं सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है इस सिस्टम की, तो वो जीरो थी पहले, इन एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज जीरो, ठीक है, वाई डायरेक्शन तो होगी चलो, लेकिन एक्स डायरेक्शन जीरो है और x डायरेक्शन फोर्स भी जीरो है एक्सटर्नल, इसका मतलब x डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होने वाला, वो वहीं का वहीं रहेगा, तो VCM इज जीरो इन x डायरेक्शन, जब ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, ठीक है, और जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, थिंक केयरफुली, जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा बेटा तो उस केस में दोनों की मतलब एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए, तभी मैक्सिमम कंप्रेशन होता है, मैक्सिमम कंप्रेशन का केस ये है कि जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो सेपरेशन जो होता है वो मिनिमम होता है या कंप्रेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो का मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम इन एक्स डायरेक्शन, और दोनों की वेलोसिटी सेम मतलब दोनों की वेलोसिटी जीरो ही होनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अगर दोनों की वेलोसिटी मान लीजिए इस तरफ ले ली तो फिर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, समझ गए ना बात को, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर जीरो है इसका मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम में रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की जीरो होनी चाहिए एक के रेस्पेक्ट में, और जीरो होने का मतलब दोनों की वेलोसिटी भी जीरो होनी चाहिए क्योंकि vcm जीरो है, vcm का x कंपोनेंट जीरो है, इसका मतलब दोनों रुक जाएंगे भाई, और जब दोनों रुक जाएंगे तो सोचिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh थी वो सारे के सारे स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी ना हाफ के x स्क्वायर में, बस हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होगी, स्प्रिंग वापस रिलीज करेगी, दैट मींस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज हाफ के एक्स स्क्वायर व्हिच इज mgh, तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी इसका करेक्ट है, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स जो है वो mgh के बराबर होगा, ये सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज अगेन mgh इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू लिख दो mgh इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, देन x इज इक्वल टू 2mgh by k का अंडर रूट, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी इसका बेटा करेक्ट है, तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट अगेन इसके अंदर लगा है, उससे आप इसको बड़ा आसानी से समझ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
During an experiment, an ideal gas is found to obey a condition P square by rho is equal to constant. Rho is the density of the gas. The gas is initially at temperature capital T, pressure P, and density rho. The gas expands such that the density changes to rho by 2. तो ये रिलेशन है प्रेशर का, और प्रेशर का रिलेशन अगर डेंसिटी के साथ अगर हम दें तो P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम होता है, ये भी आप जानते हो, इसकी हेल्प लेनी पड़ सकती है अपन को। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए द प्रेशर ऑफ द गैस चेंजेस टू रूट टू पी। तो डेंसिटी जब रो बाई टू हो जाएगा तो प्रेशर रूट टू पी होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए बड़ा आसान है, पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू रो आ जाएगा, पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू रो, राइट, देन पी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट रो। अब रो अगर आपने हाफ कर दिया तो प्रेशर 1/√2 टाइम्स हो जाएगा, हाँ या ना, प्रेशर 1/√2 टाइम्स, लेकिन रूट टू टाइम्स बोल रहा है, इसका मतलब ये वाला इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देखिए, द टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंजेस टू रूट टू टी। अच्छा, टेम्परेचर की टर्म्स में निकालना है, चलिए देखते हैं। तो P बराबर रो इंटू टी इंटू आर बाय, आर बाय मतलब कोफिशियंट है, तो रो टी के प्रोपोर्शनल हो गया ये, तो P को मैं लिख सकता हूँ सिंपली रो टी प्रोपोर्शनलिटी में, और इंटू में रूट रो है, इससे काट दो तो रूट रो आ जाएगा। इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो प्रोपोर्शनल टू 1/√ρ है, है ना, और रो जो है वो हाफ कर दिया, हाफ करने मतलब टू ऊपर चला जाएगा, तो रूट टू टाइम्स हो जाएगा टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर जो है रूट टू टाइम्स हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन इसका बेटा करेक्ट है। थर्ड देखिए, द ग्राफ ऑफ अबव द प्रोसेस ऑन पीटी डायग्राम इज पैराबोला। फोर्थ कह रहा है द ग्राफ ऑफ अबव द प्रोसेस ऑन पीटी डायग्राम इज हाइपरबोला। तो पी और टी के बीच में इक्वेशन बनानी है, रो को हटा दो बस, क्योंकि रो इंटू टी पी के प्रोपोर्शनल, तो रो पी बाई टी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा ना रो, है ना, तो रो जो है वो पी बाई टी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहां रख दीजिए ये, तो P proportional to square कर दो, वैसे P square proportional to rho and rho P by T, P से P कट गया, इसका मतलब P proportional to 1/T आ गया। तो P proportional to 1/T, जैसे y बराबर 1/x होता है, तो आप जानते हो rectangular hyperbola का graph बनेगा, इसका मतलब fourth option इसका correct हो जाएगा, parabola नहीं है बेटा, तो second and fourth options के correct हो जाएंगे, okay? चलिए next question पे चलें, okay? The intensity of X rays from a Cooley's cube is plotted against the wavelength lambda is shown in the figure. The minimum wavelength found is lambda C and the wavelength of the K alpha line is lambda K as the accelerating voltage is increased. ठीक है, देखो accelerating voltage को अगर आप increase करोगे, सीधी सी बात है, जो electron beam है उनकी energy increase हो जाएगी, और उनकी energy कितनी होगी, एक electron की energy की बात करें तो E into V होगा, ठीक है, तो voltage जो है अगर आप increase करोगे तो EV increase होगा, और इसके according जो मिनिमम वेवलेंथ है एक्सरेज के लिए, ठीक है, उसको हम क्या लिखते हैं, एच सी बाय लैम्डा, अगर ये वाली चीज राइज होगी, वी अगर राइज होगा तो लैम्डा डिक्रीज होगा, तो लैम्डा सी जो है ना वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन लैम्डा के जो बेटा वो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के अकॉर्डिंग है, ठीक है, वो डिपेंड करेगा मटेरियल कैसा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डिंग के कारण क्या होता है, जो भी के शेल है ना, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन को वो डिस्प्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं, और हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फोटॉन्स निकलते हैं, ठीक है, हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स निकलते हैं, उनके अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे अपन को मिलते हैं बेटा। तो लैम्डा के तो वहीं रहेगा, लेकिन लैम्डा सी शिफ्ट हो जाएगा, और लैम्डा सी शिफ्ट हो गया तो लैम्डा के माइनस लैम्डा सी, ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, ये इंक्रीज हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो लैम्डा के माइनस लैम्डा सी क्या होना चाहिए, इंक्रीज हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो गया, तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये। बाकी अगर आप ऑप्शन देखिए तो सेकंड ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है, फोर्थ भी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ओनली एंड ओनली फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ओके? चलिए देखते हैं आगे। एबीसीडी इज अ प्लेन ग्लास क्यूब, ए नियरली हॉरिजॉन्टल बीम ऑफ द लाइट एंटर्स द फेस एबी एट ग्रेजिंग इंसिडेंस, देन एबीसीडी, देन ओके सॉरी, देन तो करेक्ट ऑप्शन देखना है, ये ग्रेजिंग इंसिडेंस है, दैट मींस दिस एंगल इज ऑलमोस्ट 90 डिग्री, ये अल्फा एंगल से आया, यहां पे इंसिडेंट होता है तो ये वाला एंगल पक्का पक्का 90 माइनस अल्फा हो गया, ठीक है, एंड दिस एंगल इज थीटा, तो कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट अल्फा है क्या, चेक करते हैं, चलो यहां पर अगर आप इक्वेशन लगाओगे, स्नेल्स लॉ लगाओगे, तो 1 इनटू साइन 90, म्यू 1 साइन आई बराबर म्यू 2 साइन आर, तो 1 इनटू साइन 90 मतलब 1 इज इक्वल टू म्यू, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अज्यूम कर लेते हैं म्यू इनटू में साइन अल्फा, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सेकंड इसके लिए चलिए, इसके लिए लगाएं तो देखो म्यू इनटू साइन 90 माइनस अल्फा मतलब कॉस अल्फा, और बाहर एयर है तो 1 इनटू साइन थीटा, यहां से म्यू नहीं रखा हुआ क्योंकि इसने फर्स्ट इक्वेशन में केवल थीटा और अल्फा दिया हुआ, तो म्यू की वैल्यू यहां से रख देंगे अपन 1 अपॉन साइन अल्फा, तो म्यू आ जाएगा 1 अपॉन साइन अल्फा, 1 अपॉन साइन अल्फा मतलब कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा इज कॉट अल्फा, सो कॉट अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा, खत्म। तो क्या मैच हो रहा है, यस मैच हो रहा है जी, तो फर्स्ट ऑप्शन का सही है, वेयर अल्फा इज द क्रिटिकल एंगल, यस ऑब्वियसली
क्रिटिकल एंगल के लिए केस ये होता है कि ये वाला एंगल 90 होगा और ये वाला एंगल थीटा सी है ना, ग्रेजिंग अमरजेंस होता है उसके लिए, क्योंकि लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे से अगर मैं इस लाइट रे की डायरेक्शन को पलट दूं तो लाइट रे वापस ऐसे जाएगी ना, ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट 90 बेटा, तो ये अल्फा यहां पर क्रिटिकल एंगल है, तो ये चीज सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखिए, क्रिटिकल एंगल अल्फा लेस देन इक्वल टू 45 डिग्री फॉर टीआईआर एट सेकंड सरफेस। ये सेकंड सरफेस जो दिख रही है ना, इस पे टीआईआर अगर आपको करवाना है तो अल्फा की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 45 डिग्री होना चाहिए, ये चेक करना है ना। तो देखते हैं, चलो इसको रब करें एक बार, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, यहां पे अगर ये टीआईआर हो तो ये कंफर्म है ना कि 90 माइनस अल्फा जो है ये वाला एंगल वो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए या ऑलमोस्ट उसके इक्वल मान सकते हो, या तो क्रिटिकल एंगल, वैसे एग्जैक्ट केस क्या, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। वैसे क्रिटिकल एंगल से अगर 0.0001 डिग्री भी ज्यादा है तो भी टीआईआर हो जाता है, तो ऑलमोस्ट अपन उसके बराबर भी लिख सकते हैं। तो 90 माइनस अल्फा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, एंड योर क्रिटिकल एंगल इज अल्फा, अल्फा है, सो 90 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अल्फा, 45 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री के बराबर ही उससे कम होनी चाहिए, क्या है, है जी, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लेस देन इक्वल टू रूट टू फोर टीआईआर एट द सेकंड सरफेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देखनी है हमें, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू हमें पता लगानी है यहां पे कितनी है, चलिए देखते हैं। यहां पे ये देखिए, अल्फा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 45 डिग्री, ये हमें क्लियर हो चुका है यहां पर, राइट। बोथ साइड अगर साइन ले लूं, साइन 45 साइन अल्फा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है आप जानते हो, is greater than equal to sin alpha, and sin alpha from this relation sin alpha is 1/μ rakh dunga main, isko plot do, plot doge to aapko pata hai sin change ho jayega √2, ye less than or equal to mu aa jayega na, iska matlab agar tir karwana hai to mu ki value √2 ke equal ya usse zyada honi chahiye, lekin ye keh raha hai √2 ke equal ya usse less honi chahiye, iska matlab ye wala incorrect ho gaya, third incorrect ho gaya, aur fourth ka to koi meaning nahi hai yahan par, to first and second jo hai iske beta correct ho jayenge According to question बेटा, ठीक है, चलिए next question में चलें। Okay, आइए, which of the following statements is are true in the given figure? ठीक है, infinitely long wire kept perpendicular to the plane to the paper carrying current inwards then, ये current आपको नजर आ रहा होगा, I1 current flow कर रहा है और ये एक loop दे रखा है, देखिए आप, अब आपसे पूछा है कि loop पर net force zero है कि नहीं है, net torque zero है कि नहीं है, किस तरफ rotate होगा वगैरह वगैरह जो भी है। तो इस करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2πr, r इज द रेडियल डिस्टेंस, राइट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वायर। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ध्यान से देखना, इस सबसे पहले इस लूप की बात करें तो मैं सबसे पहले ए बी पार्ट की बात करूंगा, ए बी पार्ट में करंट ऐसे फ्लो कर रही है, इस वाले पार्ट में करंट यूं फ्लो कर रही है, और इस करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस वायर के अलोंग वो कुछ ऐसे आएगा, राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ इस तरफ आएगा। तो ये जो मैंने एरो बनाया ना यूं इस टाइप से, ये इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को देखें और इस वायर को देखें जो करंट कैरिंग वायर है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड जब एक ही डायरेक्शन में होता है तो फोर्स जीरो लगता है, क्योंकि एफ फॉर स्मॉल एलिमेंट एफ इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी, आई डीएल क्रॉस बी, तो डीएल वैक्टर और बी वैक्टर के बीच में अगर एंगल जीरो है तो फोर्स जीरो लगेगा, इसका मतलब इस वाले पार्ट पर फोर्स जीरो है बेटा। अब सिमिलरली अगर मैं सिमिलरली इस वाले पार्ट की बात करें तो इस वाले करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड यूं आएगा और करंट यूं जा रही है, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना, 180, देन अगेन डीएल क्रॉस बी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट की बात ही नहीं करनी क्योंकि इन पे फोर्स ही जीरो है। अब बात करते हैं इस वाले पार्ट की, अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट देखा जाए तो वैसे सिमेट्रिकली रखा हुआ है इस वायर से, लेकिन एक में करंट यूं जा रहा है और एक में करंट यूं जा रहा है। इस वाले करंट कैरिंग वायर की बात करें, ध्यान से देखना, करंट इसमें यूं जा रही है और इस करंट कैरिंग वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूं आएगा, करेक्ट, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और एल वेक्टर कुछ इसका इस तरफ है, ठीक है, एल वेक्टर कुछ इस तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो टॉर्क फोर्स होता है आई एल क्रॉस बी, ठीक है, आई एल क्रॉस बी, छोटा सा एलिमेंट अगर मैं अज्यूम करूं तो एल क्रॉस बी, तो एल इधर है बी इधर है, एल क्रॉस बी की बात करें फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इसका मतलब इस वाले टुकड़े पर जो फोर्स आने वाला है वो फोर्स बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ,
और इस वाले पार्ट की बात करें तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर स्टेट वायर इज इन दिस डायरेक्शन और करंट जो है वो कुछ इस तरफ है। तो इसमें अगर बात करें तो एल क्रॉस बी की बात करें तो एल क्रॉस बी देखा जाए तो अंदर की तरफ है, राइट, बी इधर है और एल इधर है बेटा, ठीक है, एल इधर है। तो एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी करें तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, तो इस वाले पार्ट पर फोर्स अंदर की तरफ लगने वाला है। तो जितना फोर्स इस पे लगेगा बाहर की तरफ उतना सेम फोर्स इस पे अंदर लगेगा, तो नेट फोर्स ऑन द लूप इज जीरो, नेट फोर्स ऑन द लूप इज जीरो, बट नेट टॉर्क जीरो नहीं है, नेट फोर्स ऑन द लूप इज जीरो, फर्स्ट इसका करेक्ट है, नेट टॉर्क जीरो है ये इनकरेक्ट है। लूप विल रोटेट क्लॉकवाइज अबाउट एक्सिस ओ डैश, अब देखना पड़ेगा व्हेन सीन फ्रॉम ओ, अगर आप यहां से देखते हो तो क्या दिखता है आपको, लूप किस तरफ रोटेट होगा, ध्यान से देखिएगा, ये फोर्स इस पे इधर लग रहा है, ये फोर्स इस पे इधर लग रहा है, तो लूप ऐसे घूमेगा ना, यू यू, तो यू देखोगे आपको, तो आपको कैसा नजर आ रहा है, आपको कैसा नजर आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डेफिनेटली रोटेट करेगा बेटा, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ इसका इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, तो इसके फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हाँ बेटा, सेक्शन डी, टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट एट सेम इंस्टेंट विद वेलोसिटीज हुज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आर यू वन वी वन एंड यू टू वी टू रेस्पेक्टिवली, सच दैट देयर इज अनदर कॉमन पॉइंट अदर देन ओरिजिन ऑन द ट्रैजेक्टरीज, द टाइम इंटरवल बिटवीन देयर पासिंग थ्रू द अदर कॉमन पॉइंट ऑफ देयर पाथ अदर देन ओरिजिन इज 1 बाय अल्फा वी वन यू टू माइनस वी टू यू वन अपॉन यू वन प्लस यू टू, अल्फा इज द इंटीजर एंड जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन आपने रीड कर लिया होगा, तो यहाँ पर हम दोनों के लिए डायग्राम बना लें। सबसे पहले पार्टिकल वन की बात करें, पार्टिकल वन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का वो यू वन है और वर्टिकल कंपोनेंट जो वो वी वन है। ठीक है, और पार्टिकल टू की बात करें, अगर हम पार्टिकल टू के लिए है यू टू और ये आ जाएगा वी टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। एक कॉमन पॉइंट है जहां पर ये दोनों मिलेंगे, है ना, मतलब मिलेंगे नहीं, मतलब एक कॉमन पॉइंट को ये पार करेंगे। जैसे पार्टिकल वन है, वो पार्टिकल वन मान लीजिए टी वन टाइम पर क्रॉस कर रहा है इस पॉइंट को, तो t1 टाइम पर क्रॉस करेगा तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो सपोज x है और y कोऑर्डिनेट अगर y है, तो पार्टिकल 1 के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, x डायरेक्शन के लिए x बराबर यू एक्स इंटू टी, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यू एक्स कितना आएगा पार्टिकल 1 के लिए u1 और टाइम लग गया t1। ठीक है, u1 इंटू t1। और पार्टिकल 2 के लिए बात करें, पार्टिकल 2 भी तो इसी पॉइंट को क्रॉस कर रहा है t2 टाइम में, t2 टाइम में क्रॉस करेगा, तो उसके लिए अगर मैं इक्वेशन लगाऊं तो u2 इंटू में x कंपोनेंट u2 है ना, u2 इंटू में t2, तो यहां पे लिख सकता हूं u2 into में t2, ये इक्वेशन वन बन गई हमारी। अब y डायरेक्शन के लिए बात करें, तो पार्टिकल वन के लिए अगर y डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट y होगा, तो y इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू वाई कितना आएगा v2, सॉरी v1 है वर्टिकल कंपोनेंट, इंटू टाइम t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर। ठीक है, और पार्टिकल 2 भी तो देखा जाए तो t2 टाइम में क्रॉस कर रहा है, उसके लिए तो y कोऑर्डिनेट सेम होगा, v2 into t2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर, ये इक्वेशन सेकंड आ गई बेटा। अब इन दोनों इक्वेशन से और फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से अपन t1 और t2 की वैल्यू निकालेंगे एंड देन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो देखिए v1 into t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 into T2 की बात करें, T2 यहां से रख सकते हो आप, तो ये आ जाएगा U1 T1 अपॉन में U2, है ना, T2 जो है ना यहां से रख दिया U1 T1 अपॉन में U2 माइनस हाफ जी, T2 की वैल्यू वापस रखो तो ये आ जाएगा U1 स्क्वायर T1 स्क्वायर अपॉन में U2 स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई बेटा। तो यहां से देखो, एक तो T1 कट जाएगा, T1 ये कट गया, इस वाले पार्ट को आप इधर ले आइए, तो v1 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो v1 u2 माइनस v2 u1, ये वाला पार्ट, और डिवाइड में u2 आ गया, तो v1 u2 माइनस v2 u1 डिवाइड में u2 इज इक्वल टू, इस वाले पार्ट को इधर ले जाओ तो g by 2 कॉमन आ जाएगा एंड इवन t1 भी कॉमन आ जाएगा, तो g t1 by 2 तो कॉमन आ गया, 1 माइनस यहां पे कितना बचेगा, 1 माइनस यहां बचेगा u1 स्क्वायर by u2 स्क्वायर, तो एलसीएम में लोगे तो यहां आ जाएगा u2 स्क्वायर माइनस u1 square upon में u2 square। ठीक है, तो u2 से एक u2 cancel out हो गया and here t1 is equal to, t1 कितना आ गया, u2 को इधर multiply कर दीजिए, अच्छा g by 2 है, g की value 10 है, 10 by 2 5 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 5 divide में आ जाएगा और ये u2 इधर multiply कर दीजिए, तो u2 bracket में आ गया v1 u2 minus v2 u1। ठीक है,
डिवाइड में 5 आ चुका है और ये आ गया वी टू सॉरी यू टू स्क्वायर माइनस यू वन स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। ठीक है ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। टी वन आ चुका है, अब टी वन की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं तो टी टू आ जाएगा। तो टी टू में करना क्या है, टी वन को यू वन इंटू यू टू से मल्टीप्लाई करना है, यू वन बाई यू टू से सॉरी, तो यू वन बाई यू टू से मल्टीप्लाई करूं, यू टू से यू टू कट जाएगा, बस यू वन आ जाएगा इसकी जगह। तो टी वन में सॉरी टी टू में अगर हम बात करें तो केवल यहां पर यू वन का फर्क आएगा और बाकी चीज सेम आएगी, बाकी चीज सेम आएगी। अगर मैं डिफरेंस देखूं बेटा इन टाइम इंटरवल में डिफरेंस देखूं, तो जैसे मैं टी वन माइनस टी टू यहां पर कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो टी वन माइनस टी टू कितना आएगा बताइए, यहां से देखो कॉमन चीज को बाहर निकाल लो, तो वी वन यू टू माइनस वी टू यू वन, ये कॉमन आ गया, फाइव भी कॉमन आ जाएगा और नीचे यू टू स्क्वायर माइनस यू वन स्क्वायर ये भी कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में कितना आएगा यू टू ये है और उसमें यू वन आएगा, यू टू माइनस यू वन आ जाएगा। अब देखो ये यू टू स्क्वायर माइनस यू वन स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, है ना। तो अब इसको कंपेयर कर लेते हैं अपन, अगर आप कंपेयर करो तो देखो वी वन यू टू आ रहा है, वी वन यू टू आ रहा है, माइनस वी टू यू वन आ रहा है, ये भी आ रहा है और अपॉन में यू वन प्लस यू टू आ रहा है, यू वन प्लस यू टू भी आ रहा है और डिवाइड में फाइव आ रहा है, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, अल्फा बराबर फाइव। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ओके यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास 3m, तो इस रोड का मास 3m है एंड लेंथ l इज लाइंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, टू पार्टिकल्स, अच्छा पूरी कंप्लीट लेंथ जो है इसकी l है और मास 3m है, ये ध्यान रखना। टू पार्टिकल्स ऑफ मास m एंड 2m मूविंग विद वेलोसिटी 2v0 एंड v0 इन द अपोजिट डायरेक्शन हिट द रोड परपेंडिकुलरली एट डिस्टेंस l by 3 एंड l by 6, अच्छा ये सेंटर से l by 6 पे और ये l by 3 पे हिट कर रहा है। ठीक है फ्रॉम पॉइंट ओ ऑफ द रोड एंड द स्टिक टू इट आफ्टर कोलिजन, तो ये चिपक जाते हैं आफ्टर कोलिजन। इफ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू कोलिजन इज n by 5 mv0 square, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू हमें बतानी है। देखते हैं इनिशियली बात करें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है वो आराम से आप निकाल सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर करके दोनों पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। आफ्टर कोलिजन ये दोनों चिपक जाते हैं, उसके बाद में देखना पड़ेगा कि इस असेंबली की मोशन कैसे होगी। तो अगर मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लगाऊं क्योंकि सिस्टम के ऊपर एक्शन फोर्स तो लग नहीं रहा, तो लीनियर मोमेंटम की बात करें रॉड रेस्ट में है, उसका मोमेंटम जीरो, इसका मोमेंटम कितना आएगा एम इंटू टू वी नॉट टू एम वी नॉट और इसका मोमेंटम टू एम इंटू वी नॉट टू एम वी नॉट, मतलब दोनों का मोमेंटम अपोजिट डायरेक्शन, नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। इसका मतलब चिपकने के बाद दोनों जब स्टिक कर जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी जीरो आएगी, ऑब्वियसली जीरो आएगी क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जो सिस्टम का जीरो है, फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए एंड नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज मास इंटू वी सी एम एंड वी सी एम इज जीरो। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाने वाला, सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहेगा इस सिस्टम का। ठीक है अब मुद्दा ये उठता है कि सेंटर ऑफ मास आएगा कहां पे, मतलब असेंबली का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा जब ये दोनों स्टिक कर जाएंगे, और घूमेगा जरूर क्योंकि ये इधर से इंपल्स लगाएगा, इधर से इंपल्स लगाएगा, यूं घूमेगा ये, राइट। तो मतलब ट्रांसलेशनल अगर मोशन की बात करें उसके अनुसार अगर देखा जाए तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है इसके पास। ठीक है सेंटर ऑफ मास VCM जीरो रहेगा, VCM कहां पे आएगा इस सिस्टम का, तो पूरा मास 3m है, ये 2m मास जो है l by 6 पे अटैच हो रहा है और m मास जो है l by 3 पे अटैच हो रहा है। ठीक है तो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पे आएगा, वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2m है यहां पर, ये m है और ये थोड़ा दूरी पर है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं इस पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से कहीं ना कहीं यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो हमें लोकेशन निकालनी पड़ेगी यहां पर, देन उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं सेंटर ऑफ मास कहां पे आएगा, देखो ये 2m मास है बेटा, ये यहां पे अटैच हो गया, ये पॉइंट ओ है और ये जो डिस्टेंस है ये l by 6 है, ये m मास जो है ये l by 3 पे अटैच हुआ है यहां पर। ठीक है इसको ओरिजिन कंसीडर कर लूं, तो YCM अगर यहां पर कैलकुलेट किया जाए तो रॉड के लिए तो यही आ गया सेंटर पे आ गया, तो उसका तो m1 इंटू एक्स वाई सी जो वाई वन जो है वो जीरो जाएगा, जीरो प्लस 2m की बात करें 2m इंटू एल बाई सिक्स वाई वन माइनस m इंटू एल बाई थ्री, माइनस क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है तो माइनस m इंटू एल बाई थ्री, सो 2m इंटू एल बाई सिक्स माइनस m इंटू एल बाई थ्री, करेक्ट। देखते हैं मैंने यूं अज्यूम किया है यहाँ पर और अपन में नेट मास आ जाएगा। ठीक है और कोइंसिडेंटली देखा जाए तो ये m l बाई थ्री माइनस m l बाई थ्री कितना हो गया, जीरो हो गया, इसका मतलब सिस्टम का सेंटर मास वहीं का वहीं रहेगा, वो शिफ्ट नहीं होगा। तो कैलकुलेशन हमारे लिए यहां पे आसान हो चुकी है ना, कैलकुलेशन यहां पर आसान हो चुकी है। तो सिस्टम जो रॉड जो है ना ये चिपकने के बाद ये अपने सेंटर के अबाउट ही घूमेगा, इसके अबाउट ही रोटेट होगा, और कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, सिस्टम का सेंटर मास शिफ्ट नहीं हुआ है, वो वहीं का वहीं रहा है रॉड के अकॉर्डिंग।
ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं, ओके अबाउट, तो ओके अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखा जाए बेटा, 2m मास का एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, 2m इनटू v नॉट लीनियर मोमेंटम इनटू l बाय 6 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका एंगुलर मोमेंटम भी दोनों एक ही डायरेक्शन में, सेंस ऑफ रोटेशन सेम है ना, तो सेंस ऑफ रोटेशन सेम है तो एंगुलर मोमेंटम ऐड हो जाएगा, प्लस m इनटू 2v नॉट मतलब 2mv नॉट इनटू l बाय 3 आ गया, ये एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब ये चिपकने के बाद पूरी असेंबली घूमेगी, पूरी असेंबली घूमेगी तो नेट जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ICM इनटू ओमेगा, ICM इनटू ओमेगा। अब ICM की बात करें यहां पर, राइट, ICM की बात करें तो ICM कितना आएगा इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ओके अबाउट सेंटर मास के अबाउट, तो इस रॉड का कितना आएगा सबसे पहले, तो ICM में सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो रॉड का कितना आएगा, रॉड का आ जाएगा ML स्क्वायर बाय 12, M आ जाएगा 3M L स्क्वायर बाय 12, ये इस रोड का आया, प्लस इस पॉइंट के अबाउट 2m का कितना आएगा, 2m into l by 6 का स्क्वायर मतलब l स्क्वायर बाय 36, ठीक है, और प्लस में इसका कितना आएगा, m into l by 3 का स्क्वायर मतलब l स्क्वायर बाय 9, ये टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, और इनटू में ओमेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे लिए काम का है काफी। इसमें नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन, ठीक है, तो यहां से अगर इसको कैलकुलेट करें अपन तो ये आ जाएगा 3, ठीक है, तो एम वी नॉट एल बाई 3, 2 एम वी नॉट एल बाई 3, सो 3 एम वी नॉट बाई एल बाई 3, दैट मीन्स एम वी नॉट आ जाएगा ये, एम वी नॉट इंटू एल, राइट, और यहां से अगर आप देखो तो इसको सॉल्व करें तो ये कितना आया, ये 18 आ जाएगा, ये 9 है, राइट, इसको भी कट कर दें तो ये 4 आ गया, ठीक है, तो 36 आई थिंक 36 जो एलसीएम आ जाएगा, और ML स्क्वायर बाहर आ गया, ML स्क्वायर, ठीक है, और 36 LCM आ जाएगा। चलिए देखते हैं, तो 4 को इसको कट करें तो 9 आ जाएगा, देन 2 आ गया, देन 4 आ जाएगा, ठीक है, और इनटू में ओमेगा, तो यहां से M से M ये कैंसिल आउट हुआ, L से L ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो ओमेगा इज इक्वल टू V नॉट, ठीक है, इनटू 36 अपॉन में एल भी आ गया, और साथ ही साथ ये कितना आया, ये आ जाएगा 6 and 9 15, ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा की, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी इस असेंबली की आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ट्रांसलेशनल तो है नहीं, हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, ICM की वैल्यू यही है ना, ये जो हमने अभी भी लिखी है, तो ICM की वैल्यू डायरेक्ट रख दें यहां पर, तो 15 by 36, ठीक है, इंटू एम इंटू एल स्क्वायर, ये ICM आ गया, इंटू में ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर करेंगे अपन तो 36 अपॉन 15 का स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में वी नॉट स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 15 एक कट जाएगा और 36 भी कट जाएगा, तो ये पावर हट जाएगी यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी है, 36 बाय 2 इंटू 15 एम वी नॉट स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई आफ्टर कोलिजन, ये काइनेटिक एनर्जी है, राइट, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बिफोर कोलिजन अगर काइनेटिक एनर्जी आप फाइंड करो तो आपको वैल्यू दे रखी है, एक मास जो 2m है, अगर आप देखो इधर, यस 2m मास है वो v नॉट स्पीड से आ रहा है, और m मास 2v नॉट स्पीड से आ रहा है, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ m, इस वाले की देखें तो 4v नॉट स्क्वायर, प्लस उस वाले की देखें तो हाफ 2m इनटू v नॉट स्क्वायर, इसका मतलब 4 एंड 2 6 हो गया, 6 बाई 2 मतलब 3 एम वी नॉट स्क्वायर आ गया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 3 एम वी नॉट स्क्वायर एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज 36 बाई 2, राइट, तो ये इससे कट कर दो, ये 18 आ गया, 18 बाई 15 3 से कट कर दो, तो ये 3 और ये कितना आया 6, ठीक है, तो 6 बाई 5, तो ये 6 बाई 5 एम वी नॉट स्क्वायर, राइट। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं, एम वी नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आया, ये आ जाएगा 15 माइनस 6, ठीक है, 15 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, 9 एम वी नॉट स्क्वायर बाय 5, ये लो, तो कंपेयर करना हमें एन की वैल्यू निकालनी है, और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 के बराबर आ जाएगी बेटा, है ना, तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, वैसे कॉन्सेप्चुअली सिंपल था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ मास जो है असेंबली का वो ओपी आ गया था, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया, बाकी देखो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इन ए रेजोनेंस ट्यूब वाटर इज फिल्ड सो दैट हाइट ऑफ एयर कॉलम इज 0.1 meter व्हेन इट रेजोनेट्स इन इट्स फंडामेंटल मोड. Now water is removed so that the height of the air column becomes 0.34 meter and it resonates with the next higher frequency. Then the end error correction is in centimeter is. Okay, तो fundamental mode की बात करें आपको पता ही है vibration जो होता है कुछ इस type से होगा और ये end error correction है E. ठीक है और ये length ये वाली L1 है and this one is lambda by 4, right? तो lambda by 4 is equal to L1 plus E. Next वाले case में क्या होगा? एक लूप और बन जाएगा तो टोटल लेंथ इज L2, सो द लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 2 मींस 3 लैम्डा बाय 4 इज इक्वल टू L2 प्लस E ना, खत्म. E की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है यहां पर, तो लैम्डा बाय 4 को रिप्लेस कर दो इससे, तो लैम्डा बाय 4 इज L1 प्लस E यहां पे रख दीजिए, तो 3 L1 प्लस 3 E इज इक्वल टू L2 प्लस E, राइट. सो हियर 3 L1 माइनस L2 इज इक्वल टू 2 E, सो हियर E इज इक्वल टू 3 L1 माइनस L2 बाय 2, 3L1, right? 3L1, L1 is 0.1, है ना, 0.1, तो 0.1 into 3 is 0.3, L2 is 0.34, तो ये वाली वैल्यू हमें रखनी है, ठीक है, और यहाँ पर शायद, I think, हाँ, यहाँ माइनस आएगा, सॉरी, तो E बराबर आ जाएगा L2 minus 3L1, L2 is 0.34 minus, and this one is 0.3, 0 लगाना चाहो, 0 लगा दो, by 2, so we get 0.04 by 2, 0.02 मीटर एंड इन सेंटीमीटर आंसर इज 2. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो ये है लास्ट क्वेश्चन आपका. इन द सर्किट शोन द फिगर ए कंडक्टिंग वायर एच इज मूव्ड विद कांस्टेंट स्पीड बी टुवर्ड्स लेफ्ट, द कंप्लीट सर्किट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द सर्किट इनवर्ड्स, द करंट इन एम्पीयर इन एचकेडी इज, एचकेडी इज, इसमें करंट पूछिए आपसे. कैपेसिटर कनेक्टेड है, अगर आप एक वायर को यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करवाओगे तो इसके अक्रॉस जो मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा वो आप जानते हो, कांस्टेंट स्पीड है तो बीवीएल, जिसको आप एज ए बैटरी की तरह अज्यूम कर लोगे, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप फिक्स हो चुका है बीवीएल, कैपेसिटर दे रखा है, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा बीवीएल, कैपेसिटर पर चार्ज पूछे तो क्यू बराबर सी इंटू में बीवीएल, चार्ज फिक्स हो गया ना, चार्ज वेरी नहीं कर रहा, स्पीड चेंज ही नहीं हो रही इसकी, स्पीड चेंज नहीं होगी चार्ज वेरी नहीं करेगा, चार्ज वेरी नहीं करेगा तो डी क्यू बाई डी टी जीरो. तो इस वाले वायर में इलेक्ट्रिक करंट कितनी आएगी बेटा, जीरो आएगी. तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, जीरो. ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा पेपर. कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो पेपर इतना ज्यादा टफ नहीं था, सिंपल सा था. ठीक है, अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिए. ठीक है, इससे अच्छे क्वेश्चन की, इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते रहिए. ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.